हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैम पर। तो फ्रेंड फिर से हम एक और वीडियो लेके आए हैं सैमसंग एफआरपी के लिए, जो कि मैंने अभी रात वीडियो डाला था, थोड़ा डिले हुआ था वीडियो डालने में, और वो वीडियो डाला था एक टूल के माध्यम से जो कि फेयर टूल होगा। बट आज की वीडियो में मैं आपको विदाउट किसी भी फेयर टूल के सैमसंग के किसी भी फ़ोन की एफआरपी अनलॉकिंग करना सिखाऊंगा, जो कि आप वन क्लिक में अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बॉक्स डोंगल है और उसमें अपडेट नहीं आया है, तो आप इस टूल के माध्यम से एफआरपी है वो अनलॉकिंग कर सकते हैं, जो कि वन क्लिक में होगा। जो फेयर टूल आए हैं वही सेम अपडेट इस टूल में देखने के लिए मिला है। तो ये जो टूल आया है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना देकर आपको कमेंट पिन कर दूंगा। फर्स्ट नंबर पर जो कमेंट होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं सैमसंग का एक डिवाइस है सैमसंग J6, मेरे पास यही है अभी। तो इसकी जो FRP है वो यहाँ पर अनलॉकिंग करके दिखाऊंगा, इस टूल से कैसे वर्क करता है नहीं करता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहीं पर आपको दिखाएंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है और अनलॉकिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड, ये हमारा लैपटॉप की स्क्रीन, और यहाँ पर हमारे पास एक है टूल, यहाँ पर जो कि नया टूल आया है अभी। टूल का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, TFT MTP वर्जन 2.0.1। और भी बहुत सारे टूल आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल का पावर टूल हो गया, उसमें भी अपडेट आ चुकी है, जो कि अभी लिंक शेयर नहीं किया टीम ने, बट बोल दिया है, तो उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। तो इस पर आपको इंस्टॉल करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर एक पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड देख सकते हैं इसमें दे रखा है TFT और TFT। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कैपिटल में TFT डालेंगे, TFT देख सकते हैं, उसके बाद ओके करेंगे और ये एक्सट्रैक्ट होगा। 19 MB का सेटअप है, छोटा सा सेटअप है, उसके बाद यस करेंगे, और उसके बाद फिर से हम TFT डालेंगे, TFT, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट एक शॉर्टकट बना लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और हमारा जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा ये टूल है, और इससे आप वन क्लिक में किसी भी सैमसंग की FRP को अनलॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश, उसके बाद डेस्कटॉप पर इसका आइकन आ जाएगा, जो कि हमारा शायद कहाँ पर गया, ये आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो सेटअप है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट फर्मवेयर के लिए बोल रहा है, तो वो शायद मेरे लिए यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो को रोककर मैंने जो .NET ड्राइवर का प्रॉब्लम आ रहा था वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर TFT टूल को ओपन करेंगे और ट्राई करेंगे क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर टूल है वो हमारा ओपन हो रहा है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा साइज का सॉफ्टवेयर बनाया है टीम ने। तो यहाँ पर हमारा टूल है वो ओपन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी फीचर मिल जाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चुनना है, कॉम इनेबल ADB, तो ये वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और USB लगाना पड़ेगा पहले फ़ोन में, तो यहाँ पर USB लगा देते हैं हम। तो फ़ोन में हमने USB लगा दिया है, उसके बाद फिर से हम इसे ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या आता है इसमें। तो ये बोल रहा है *#06# को डायल करना है यहाँ पर इमरजेंसी में। तो यहाँ पर हम इमरजेंसी में टाइप करेंगे, इमरजेंसी कॉल पर *#0#, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो कनेक्ट होने लगा है, और यहाँ पर एक पॉपअप स्क्रीन आती है वो अलाउड करने के लिए, उस पर टिक लगाकर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि हो जाएगा इससे भी। तो यहाँ पर हाँ, ये हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर रीसेट FRP, ओके, रीबूट डिवाइस, ओके। तो यहाँ पर फ़ोन है वो रीबूट होगा, देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन हमारा रीबूट हो रहा है। तो यहाँ पर इस टूल ने भी, फ्री के टूल ने भी हमारा FRP अनलॉक कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पर FRP हटता है या नहीं हटता है, यहाँ पर फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, रिबूट हुआ है फ़ोन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि विदाउट पैड वाले टूल, यानी कि फ्री वाले टूल भी वर्क करने लगे हैं। तो इस टूल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना देकर
कमेंट पिन कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि क्रेक होगा तो दिक्कत ना पड़े। बाकी का आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी, कहीं से भी। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो यहाँ पर ऑन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अलाउ के लिए बोला, अलाउ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सर्विस, सैमसंग सर्विस, सिलेक्ट ए होम ऐप, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे सैमसंग वाले पर और ऑलवेज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे स्वाइप करेंगे और डन। तो देख सकते हैं हमारी जो एफ आर पी है वो इससे भी अनलॉक हो चुकी है, फ्री वाले टूल से भी। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी अगर टूल में आपके टूल में अपडेट नहीं आया है तो फ्री में भी आप इस टूल की मदद से अनलॉकिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि फ्री वाले टूलों में भी हमारे लिए अपडेट मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन सेटअप हो रहा है, ये ऑटो होता है सारा सब कुछ, देख सकते हैं होम स्क्रीन पर आ चुका है। तो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुका है।